घर में काम करने वाली लड़की के साथ बलात्कार करने वाले चौथमल को आजीवन कारावास की सजा। न्यायालय ने 1 लाख जुर्माना भी लगाया मुलजिम पर। क्रिश्चनगंज थाने का है मामला। यह घटना 21 अप्रैल 2015 की है, जब एक नाबालिग लड़की घर घर जाके लोगों का घर का काम कर रही थी। पीड़ित उस दिन जब घर के काम करने गई तो घर के मालिक शहर में नहीं थे। पीड़ित अपने कार्य में लग गई। उसी घर में एक चौथमल नाम का लड़का भी काम करता था। पीड़िता जब अपना काम खत्म कर कर जा रही थी तो चौथमल ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। उसके बाद पीड़िता ने ये बात आकर अपने घर में बताया और क्रिश्चनगंज थाने में मामला दर्ज हुआ। और आज न्यायालय ने चौथमल को आजीवन कारावास से 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडित किया है। हाँ बताइए क्या मामला है। घटना 21/4/2015 की है। एक नाबालिग पीड़िता जो भी घर के अंदर झाड़ू पोछा काम करती थी, उस दिन भी झाड़ू पोछा काम करने गई हुई थी। तो उस दिन जिस घर में कहाँ झाड़ू पोछा काम करती थी, वहाँ पर चौथमल जो एकदम मुलजिम था, वह भी वहाँ खाना बनाने का काम करता था। जब वो जब काम करने गई तो वहाँ पर मुलजिम अकेला था और जो उस घर के परिवार के जो लोग थे वो जयपुर किसी काम से गए हुए थे। जब लड़की ने दर्तन का और झाड़ू पोछा काम पूरा किया करने वापस आने लगी तो चौथमल ने उसको पीछे से पकड़ के वापस कमरे में ले गया और कमरे में लेने का कहीं जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसके द्वारा लड़की अपने घर पर आई। घर पर आने के बाद माँ को साहिबा बताई, उसके बाद उसका रिपोर्ट लिखा गया। रिपोर्ट के बाद चालान पेश किया गया, मुलजिम गिरफ्तार कर गया और इसके अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ से 8 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए। आज माननीय न्यायालय द्वारा इसके अंदर सजा देते हुए मुलजिम चौथमल को 376 के तहत आजीवन कारावास 50,000 जुर्माना और 3A/4 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। थाना किशन है और मुलजिम केशवराय पाटन बूंदी का रहने वाला था। आपका नाम? पंकज जैन।